मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों? राखी तो 34 है। कल वो 15 की हो जाएगी। सॉरी मैंने ऐसा कहा, बिकॉज राखी तो बार बार कहती है ना, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ। शी इज एन ओल्ड हैग। एक एक मतलब वो विच होती है ना, विच क्या कहते हैं उस, विच चुड़ैल। हाँ चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है, यू नो। उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देख ली है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं हैं, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं हैं, और ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है व्हेन शी सीज सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊँगी ना गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी, बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी, और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। मेरा जो मुद्दा चल रहा है, because, चल रहा because है। आप तो ऑफ बीट हो जाओगी ना, बिकॉज आपको आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। वही, इसीलिए मैं नहीं लड़ी। मुझे समझ में आ गया कि ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया है। महाभारत की स्टोरी आपको पता है ना, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, तो राखी सावंत शिखंडी है, उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान मर्यादा लज्जा शर्म हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की साइड की स्टोरी आप जाके सुनो, सब गलत।